तो स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहम्मद राशिद ब्लॉग में। और मैं हूँ इस वक्त जयपुर में, और अब जो मैं घुमाने वाला हूँ आपको जयपुर में नाहरगढ़ का किला, जो एक राजा की नौ रानियाँ थी वो कैसे मैनेज करते थे वो मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। आपको बता दूं टिकट तो मैंने ले लिया है, अब हम जो अंदर चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। इधर अब ये देखिएगा भैया, ये इधर शीश महल है, यहाँ पे इसका टिकट जो है ना वो 500 रुपये का है भाई। मैं आपको दिखा दूं शीश महल, देखिए ये शीश महल है, इसका टिकट 500 रुपये का है। इसलिए आप तो देख नहीं सकते, वहाँ वीडियो फ़ोटोशूट अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ अंदर जा नहीं रहा हूँ। और ये जो शेर आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है भैया। शेर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा जूम करके, ये देखेगा, ये शेर बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। बाकी यहाँ वैक्स म्यूजियम है, उसको हम देख नहीं रहे, हम लोग आगे चल रहे हैं। तो अब चल के आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये इधर देख सकते हैं, ये इधर फूड कोर्ट है, आप यहाँ पर खा पी सकते हैं। ये देखिएगा, वैसे फैमिली के लिए मैं आपको बता दूँ, फैमिली के लिए बहुत बेस्ट है ये। अगर आप यहाँ आ रहे हैं फैमिली के साथ में तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। और अंदर चल के ना मैं आपको दिखाऊंगा जो राजा थे वो अपनी नौ पत्नियों को कैसे मैनेज। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, और अंदर से कुछ इसका व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसकी यहाँ से एंट्री है, कुछ बाहर से व्यू इसका इस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये इसका बाहर का व्यू है, और हम लोग अंदर चल रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से है, और हम लोग यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं। ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर, ये देखिएगा यहाँ से इसका अंदर से व्यू कुछ इस तरीके से है। देखिए ये इसका अंदर से व्यू है। इसकी नींव जो रखी थी वो सवाई जयसिंह ने रखी थी 1734 ईस्वी में। आपको बता, ये तीन राजाओं का महल है ये। तो आपको बता दूं, इधर तो ये तो था राजा का रूम, ये वाला राजा का बेडरूम है। और जो उधम सिंह थे, माधो सिंह राजा थे, उन्होंने नौ रानियाँ के लिए अपनी, ये इधर चार इधर हैं इसके और बेडरूम, और चार इस साइड में बेडरूम है और एक सामने है, ये नौ रानियों का अपना यहाँ ये बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे जो है, ये नीचे भी नौ हैं इसके बेडरूम और ऊपर भी नौ हैं। तो नीचे तो सर्दियों के लिए हैं और ऊपर गर्मी के लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका व्यू कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ये इसका व्यू है यहाँ का, और यहाँ से हमने एंट्री की थी। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपको कुछ और बताते हैं। अभी जो हम चल रहे हैं वो एक रानी का बेडरूम देखने जा रहे हैं। देखिएगा से नौ में से हम एक देख लेते हैं, सबका सेम था, ये सबके सेम थे बिल्कुल। नाइन विंटर है, नाइन समर, आइडेंटिकल सारे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये है, ये है एक रानी का पैलेस है, इसको विंटर पैलेस बोलते हैं, सर्दी में रहने के लिए। ये सर्दी में रहने के लिए है, विंटर पैलेस के लिए बेडरूम हुआ करता था जी। आइए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये रानी के लिए किचन होता था, ये रानी के लिए किचन होता था, इसको अंदर हर रानी के लिए ऐसे नाइन किचन बने हुए, सबके सेपरेट किचन है, पूरी किचन है। तो ये वेंटिलेशन दे रखा है यहाँ पे, ये चिमनी जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ताकि चूल्हे का जो धुआं हो वो ऊपर निकल सके। अब ये देखिएगा, ये है भंडार कक्ष, यानी जो किचन का सामान वगैरह होता था वो इसमें रखा जाता था। ये देखिएगा इसका, इसमें इसी तरीके से ये जैसे आजकल सेल्फ डाल देते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ खन्ने बनाए हुए हैं अलग अलग सामान रखने के लिए।
ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने जो बाहर आपको बावड़ी दिखाई थी, जो बरसात का पानी होता था वो यहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ से नीचे जाके यहाँ नाली बनी हुई है जो सीधा बावड़ी में जाके इकट्ठा होता था। अभी जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ वो रानियों का नहाने का और टॉयलेट वगैरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ ये पोर्शन जो था यहाँ रानी नहाया करती थी, और ये जो पोर्शन है ये रानी का टॉयलेट हुआ है ये यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रोशनी के लिए ये वेंटिलेशन वगैरह दिए हुए हैं। ये अभी जो मैं आपको विजिट करा रहा हूँ, ये इधर, ये तो दासियों का रूम था ये वाला, और उनका जो सामान वगैरह होता था वो इधर रूम में रखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे सामने, ये रानी का बेडरूम हुआ करता था। देखिए इसकी क्या अच्छे से पेंटिंग की हुई है, इसमें बहुत ही शानदार इसका लुक है, आप देख सकते हैं। ये रानी का बेडरूम हुआ करता था, ये विंटर पैलेस था यहाँ पे, ये फायर पैलेस, इसमें आग वगैरह गर्मी के लिए, आग जलाने के लिए यहाँ पे रखते, कोयले वगैरह इसी में जलाए जाते थे ताकि रूम को गर्म रख सके, गर्म कर सकें। ये एक साइड में होता था इधर, और ये चीज़ क्या है, ये रानी का सामान वगैरह स्टोर रूम, ये एक तरीके से स्टोर रूम इसको बोल सकते हैं। देखिए इसका भी पेंटिंग इसी तरीके से किया हुआ है, ये देखिएगा। अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो समर पैलेस में एंट्री करेंगे, देखिएगा यहाँ से हम लोग समर पैलेस में एंट्री करने हैं। ये इसका रास्ता है, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है, ये देखिएगा। अभी जो मैं आपको लेके आया हूँ ये समर पैलेस यानी गर्मी का रूम, यहाँ रानी का बेडरूम गर्मी वाला, ये देखिएगा। ये क्योंकि यहाँ पे ना ये गेट मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला यहाँ, ये नेचुरल हवा के लिए ऊपर से, क्योंकि पहले पंखे वगैरह तो होते नहीं थे इसलिए गर्मी का रूम ऊपर बनाया जाता था। ये देखिएगा सेम जैसे नीचे है वैसे ही यहाँ ऊपर भी ये बना हुआ है, ये देखिएगा इसका व्यू देखिएगा। ये रानी का बेडरूम गर्मी का है और नीचे सर्दी का है जैसे ही, और ये जो हुक आप देख रहे हैं ये लगे हुए हुक जो हैं, ये हुक यहाँ पे पंखा होता था, कभी देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, दासियाँ हिलाती थी वो यहाँ पे पंखा हिलाती थी। इसका व्यू कुछ इस तरीके से बहुत शानदार है भाई, ये देखिएगा इसकी छत भी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, ये देखिएगा। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ये खिड़की है, यहाँ से इसमें नेचुरल हवा आती थी, ये देखिएगा ये विंडो, ये बाहर से यहाँ का इसका व्यू ये है, ये देखिएगा इसका भाई बहुत ही शानदार है, देखिएगा आज के टाइम में करना बड़ा मुश्किल है, देखिएगा ये देखिएगा इसका व्यू, ये इधर भी देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने आपको विजिट कराई। अभी मैं आपको नेक्स्ट रानी का रूम दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये रानियों का गलियारा बोला जाता है, रानियाँ इसी से आया जाया करती थी, आपस में बात करती थी। अब आगे नेक्स्ट मैं आपको दूसरी रानी का दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम है पर मैं आपको आगे चल के उसको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ये आगे हम लोग, ये बिल्कुल सेम होता है ऐसे। इधर ये जो है ये चार रूम है इधर, और चार ही उस साइड में है, ये देखिएगा ये रानियों का गलियारा बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ मैं जो आया हूँ ये कॉर्नर का है, दोनों एक रूम ये है यहाँ पे और एक रूम ये है, ये दो रूम यहाँ इसलिए हैं जो राजा थे माधो सिंह, उनकी दो रानियाँ स्पेशल दो रानियाँ थी उनकी, जो पसंद की दो रानी थी, बाकी सात रानियों का अलग था, तो उनको दोनों को दो बेडरूम दिए उन्होंने, एक तो ये दिया है और एक ये सामने दिया है उन्होंने, उनको दो बेडरूम दिए हैं, ये एक कॉर्नर पर इधर है और एक कॉर्नर पर उस साइड है दूसरी साइड। अभी हम चलते हैं उधर, ये जो आप देख रहे हैं ये तो रानियों का गलियारा था, अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो राजा का गलियारा दिखाने वाला हूँ, ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं ये राजा का गलियारा है, क्योंकि राजा इसी से आ जाया करते थे, और ये जो गेट हैं ये मैं आपको बता दूं, इन गेटों पे दासियाँ खड़ी होती थी, रानी राजा को जिस रानी से मिलना होता था उस गेट को राजा खटखटाते थे, तो दासी गेट खोल के वहाँ से हट जाती थी, राजा रानी से मिलने चले जाते थे। ये आप देख सकते हैं गलियारा राजा का। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दूसरी रानी का बेडरूम दिखवाने वाला हूँ, जो उनकी स्पेशल दूसरी रानी थी, ये देखिएगा उनका, ये कॉर्नर का इधर देखिएगा, एक बेडरूम वो सामने दिया है और एक बेडरूम ये
सामने दिया है, बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल नौ रानियाँ थी उनकी, नौ में दो स्पेशल थी और दो स्पेशल में एक कॉर्नर ये दिया और एक कॉर्नर उधर दिया, और इधर मैं आपको जो बाकी सात रानियाँ थी उनका इधर से दिखवा देता हूँ। अब इधर था उनका बेडरूम, ये देखिएगा ये गलियारिया, ये तो रानियों का है ये इधर वाला, और इधर जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये राजा का गलियारा, जो मैं आपको बताया था राजा को जिस रानी से मिलना होता था उसी गेट को खटखटाते थे, दासी गेट खोल के हट जाती थी और राजा रानी से मिलने चले जाते थे। इधर का व्यू दिखा दो सिटी, यहाँ से मैं आपको पूरा जयपुर सिटी का व्यू अभी दिखवा देता हूँ ऊपर से, ये आप देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं ये नाहरगढ़ फोर्ट से पूरा जयपुर का व्यू, ये देखिएगा भाई ये ऊपर से व्यू है इसका। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चेंजिंग रूम बोला जाता है, यहां पे राजा रानी से मिलता था और जिधर भी रानी के पास जाना होता था, जैसे मान लो इधर रानी के पास जाना है, इधर ये चार बेडरूम इधर थे, तो अगर इधर वाली रानियों से मिलना है तो ये वाला कॉरिडोर यूज करा जाएगा और दूसरी रानियों से मिलना है तो उधर वाला कॉरिडोर यूज करा जाएगा। ये देखिएगा ये गलियारा जो मैं उधर से आपको दिखाया, तो ये गलियारा इधर से भी ऐसा ही है, यहाँ से इधर से राजा आके इधर ये इस गली में ऐसे जाते थे। ये अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सिर्फ सैनिक ही रहते थे, ये देखिएगा यहाँ ऊपर आ गए और ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरीके से है, देखिएगा यहाँ से आप ये पूरा जयपुर का व्यू।